प्रश्न नंबर 12, वो 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं रो 1 में पढ़ रहा हूं 4-3, रो 2 में पढ़ रहा हूं -3-2, और सेकंड ब्रैकेट में जो लिखा है उसके रो 1 में 2-3, 3-4 है। का गुणनफल ज्ञात कर, इसकी सहायता से जो गुणनफल आएगा इसकी सहायता से निम्न समीकरणों के निकाय सिस्टम को हल कीजिए। वो सिस्टम है 2x-3y+4=0 और 3x+4y=11। 11 पहले गुणनफल ज्ञात करना है, दो मैट्रिक्स दो ब्रैकेट में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करके आपको इसकी हेल्प से, इसकी मदद से इस दो समीकरण जो दो चरों का रैखिक समीकरण है इसको, इस निकाय को आपको हल करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। बच्चों, प्रारंभिक संक्रिया के आधार पर आपने मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालकर दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रक्रिया को आपने सीखा। अब हम दो मैट्रिक्स दो आयुओं के गुणनफल को समझने का प्रयास करें और इसकी सहायता से हम किसी समीकरण निकाय को हल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, एक सवाल आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, प्रश्न ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स के गुणनफल को भी हम सीखेंगे और साथ ही साथ इसका क्या उपयोग है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसका क्या मूलभूत अवधारणा है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फॉर्म में गुणनफल के रूप में हमें दिए हैं 4-3 रो में है और -3 और 2 एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें गुणा करना है 2-3 और 3-4। प्रश्न एक कह रहा है कि इनका गुणनफल ज्ञात कर इनकी सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है, और वो समीकरण निकाय भी क्वेश्चन में दिए हैं, वो है 2x-3y+4=0 और साथ ही साथ हमको 3x+4y=11 ऐसे दो इक्वेशन हमें दिए हैं इसके मल्टीप्लिकेशन की सहायता से। इसके पहले वाले सवाल में आपने इनवर्स निकाल कर उसकी सहायता से समीकरण निकाय को, दो इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल थे, दो चरों के रैखिक समीकरण को आपने हल किया, उस सिस्टम को हल किया। तो अब हम नई बात सीखने जा रहे हैं बच्चों कि इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है और इसकी सहायता से हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो बच्चों ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करके देखते हैं। हम फिर से इन दो मैट्रिक्स को नोट कर रहे हैं, 4-3-3-2 एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, गुणा करना है 2-3, 3-4 से। आपको मालूम है कि इसके रो का इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसको हम बराबर मान लेते हैं पहले वाले को बी और दूसरे को ए। आप चाहे पहले वाले को ए मान लो या बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मान लिया है कि बी ये पहला वाला मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम इससे करने जा रहे हैं। तो गुणा करने का प्रक्रिया ये है कि पहले मैट्रिक्स का, पहले आयु का कॉलम 2 है और दूसरे मैट्रिक्स का रो 2 है, तो मिलने वाला रिजल्ट जो है, ये जो बचे हुए शेष राशियां हैं 2 और 2, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, रो की संख्या,
और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या को हम के रूप में हमें गुणनफल मिलेगा। तो बच्चों हम गुणा करके देखते हैं, तो चार का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दो से गुणा करेंगे तो चार दूनी आठ, और तीन का गुणा इससे करेंगे नौ, और फिर चार का गुणा ऋण तीन से करेंगे चार दिया ऋण बारह, और तीन का मल्टीप्लाई चार से करेंगे तो चार दिया बारह। आपने समझा होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का, फर्स्ट रो का आर वन का हम कॉलम वन और कॉलम टू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स के सेकंड रो का आर टू का हम कॉलम वन कॉलम टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तीन दूनी छह ऋण छह और दो तिया छह धन छह, और इसी तरह से यहां देखिए तीन तिया नौ ऋण ऋण धन धन नौ और चार दुनी आठ ऋण चार दुनी आठ, तो नौ धन आठ हमें मिल रहा है। इज इक्वल टू हमने इसको माना था बी ए। ये मानने का क्या कारण है मल्टीप्लाई, हालांकि रिजल्ट तो हमको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इन ये जो दिए गए मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसको आगे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 17 और ये 12 से ऋण 12 कट गया 0 और 6 से ऋण 6 घट गया 0 और 9 और 8 17 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है बी इंटू ए। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमें बी इंटू ए की जो वैल्यू है वो मिल रही है 17 0 0 17, और मालूम है आपको कि मैट्रिक्स के समस्त एलिमेंट में यदि कॉमन मिलता है तो कॉमन निकाल लिया जाए, तो 17 इसमें हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स आ गया 1 17 कम 17 0 0 17 कम 17। यानी कुल मिला के बच्चों आप देख रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें बी ए जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो 17 आई मिल रहा है। ये आई टू है, दो ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आयु है, जिसके मुख्य विकर्ण एक एक है और ये बाकी अवयव उसके 0 0 है, इसको हम आई भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर टू कह दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको ये बी ए बराबर आपको मिल गया है और किसी तरह से हम इससे ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि बी ए बराबर 17 आई है, इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें जो है बी ए का इनवर्स है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है, या हम कुछ भी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम इस समय जो समीकरण नंबर दो हमें प्राप्त हो रहा है बी ए इज इक्वल टू जो प्रश्न में दिया है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वो 17 आई मिल रहा है, उसको हम बी ए मान रहे हैं। अब इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर दें तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। ये बी ए इसमें ए इनवर्स का गुणा कर दें और 17 आई में हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कुल मिला के इस स्टेप में हमने क्या किया है कि ए इनवर्स ए का प्रतिलोम का गुणा दोनों पक्षों में किया है, दोनों पक्षों में करने पर ऐसा हम इस स्टेप में लिख सकते हैं। अब मालूम है कि ये एसोसिएशन लॉ का ये पालन करता है, तो बी ए इंटू ए इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 17 आई इंटू ए इनवर्स जो है वो ए इनवर्स लिखा जा सकता है,
क्योंकि I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, या I इंटू ए कहे तो भी वो A होगा। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वो मैट्रिक्स हमें A इनवर्स ही प्राप्त होता है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि A इंटू ए इनवर्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये B इस ये A इनवर्स A इंटू ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स होगा इज इक्वल टू 17 A इनवर्स हमें मिल रहा है। यहां आप रीजन दे सकते हैं कारण कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है। तो बी इंटू आई का मतलब भी अभी जैसे मैंने बताया I इंटू ए जो है वो ए होता है, तो B इंटू आई भी B होगा। यूनिट मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स हमको फिर से प्राप्त हो जाता है। तो यहां इस कॉन्सेप्ट पर हम B इंटू आई की जगह B लिख सकते हैं इज इक्वल टू 17 A इनवर्स है। तो बच्चों हमें यहां आपको दिख रहा है कि A इनवर्स इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो रहा है 1/17 B। और B क्या है, आपको आपने पहले वाले मैट्रिक्स को B माना है, आप चाहो तो पहले वाले मैट्रिक्स को भी A मान सकते थे, लेकिन बेहतर होगा कि A इनवर्स हमें B के फॉर्म में मिला तो ज्यादा बेहतर होगा। और B आप ध्यान रखें कि यहां पर जो B है वो किसको माना है, ये पहले से आप ध्यान रखें 4, 3, -3, 2। और A हमने किसको माना है ये साइड में आप लिख दें 2, -3, 3, 4। तो B की जगह पर हम 1/17 और B की जगह पर B की नकल कर दें जो क्वेश्चन में दिया है 4, 3, -3, 2। तो A इनवर्स की वैल्यू हमें मिल रही है 1/17 और मैट्रिक्स फॉर्म में है 4, 3, -3, 2। ये रिजल्ट हमें A इनवर्स का मिला है। पुनः ध्यान दें बच्चों कि A इनवर्स का जो रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है 1/17 और मैट्रिक्स है B जो क्वेश्चन में हमने पहले वाले मैट्रिक्स को माना था वो है 4, 3, -3, 2। तो इस इक्वेशन को हम समीकरण नंबर 3 कह दें बच्चों। तो बच्चों आपने इसके मल्टीप्लाई से ये सीखा कि वो रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता था लेकिन वो किसी एक मैट्रिक्स के इनवर्स को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जो समीकरण नंबर 3 में दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रश्न में बड़ी अच्छी बात ये दी हुई है कि जो समीकरण नंबर 1 है जो दो आयु का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है उस वो 17 इनवर्स के फॉर्म में हमें रिजल्ट दे रहा है। तो इसके हेल्प से हम ये जो समीकरण निकाय है उसको हम नोट करते हैं 2x-3y+4। ये क्वेश्चन में दिया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख लें 2x-3y = -4। और दूसरा तो उसको हम समीकरण नंबर 4 कह दें। और इसी तरह से 3x+4y = 11 दिया है, इसको हम समीकरण नंबर 5 कह रहे हैं। ये जो सिस्टम है समीकरण 4 और 5 इस निकाय को आयु के रूप में हम लिखते हैं, तो समीकरण 4 और 5 को आयु के रूप में मैट्रिक्स फॉर्म में आयु के रूप में लिखने पर देखते हैं कैसा मिल रहा है। समीकरण नंबर 4 में हम ध्यान से देखें कांस्टेंट है 2-3, तो एक मैट्रिक्स मिलेगा 2-3 2 ये x के गुणांक इसमें 3 समीकरण नंबर 5 में 3
और चार, और ये एक्स वाई समीकरण नंबर चार और पांच को आप ध्यान से देखिए, एक्स के गुणांक दो ऋण तीन, दो ऋण तीन। समीकरण नंबर पांच को ध्यान से देखिए, एक्स के गुणांक तीन और वाई का गुणांक चार बराबर होगा जो कांस्टेंट है इस तरफ माइनस फोर और इलेवन। यानी समीकरण नंबर चार और पांच का जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो इस रूप में है जिसको मैं समीकरण नंबर छह कह दूं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि निश्चित रूप से ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए है। आप ए और बी किसी को भी मानो, ए हमने बी इसको माना था, बी इसको माना था और ए इसको माना था, आपको ध्यान होगा। और यहां पर हमें स्पष्ट दिख रहा है, ये देखिए बी हमने पहले वाले मैट्रिक्स को माना था और दूसरे वाले मैट्रिक्स को ए माना था। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो ए मैट्रिक्स है और इनटू इसको हम कैपिटल एक्स मैट्रिक्स कह दें, इज इक्वल टू ये आपका एक्स नया मैट्रिक्स है वो सी, कैपिटल सी, इसको हम इक्वेशन नंबर सेवन भी बोल सकते हैं। अब हमें चूंकि इसको हल करने कह रहा है कि इसके मल्टीप्लिकेशन की सहायता से इसको हल करने बोल रहा है, तो क्यों ना हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर दे। तो ये ए एक्स है और इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी है। यहां स्पष्ट है कि मैंने ए किसको माना है, साइड में आप लिख देंगे, यहां भी क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टू माइनस थ्री थ्री फोर। और हमने एक्स किस मैट्रिक्स को माना है, एक्स और वाई को, और एक नया मैट्रिक्स हमने सी सोचा है और वो है माइनस फोर इलेवन। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अभी और फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए इस कारण से ये इस स्टेप को बता रहा हूं। आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए इनवर्स ये एसोसिएशन लॉ का पालन करेगा। तो ए इनवर्स इंटू ए हम अलग से लिख लें और कैपिटल एक्स बाहर लिख लें और बराबर के नीचे बराबर ए इनवर्स सी। और ए इनवर्स ए आपको मालूम है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, इंटू एक्स इजुकल टू के नीचे इजुकल टू ए इनवर्स सी, इसको इसी रूप में लिखेंगे। और आपको मालूम है कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है, तो एक्स बराबर हमें ए इनवर्स सी प्राप्त हो रहा है। अब मैं यही बात कह रहा था आपको कि जो इक्वेशन नंबर सात से मैं एक दो तीन चार स्टेप से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी प्राप्त किया हूं, ये इक्वेशन नंबर आठ है। आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल परीक्षा में कर सकते हैं, लेकिन आपको आपकी समझ को डेवलप करने के लिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश किया है, ताकि आपको ये जादू जैसा ना लगे x बराबर a इनवर्स c किताबों में लिखा है, ये आपको सीधे समझ में नहीं आता कि x बराबर क्या। ये कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि a c में a का भाग दे दिए हैं, रॉन्ग कंसेप्ट कैसे सोचते हैं, यहां ध्यान दीजिए a इंटू एक्स बराबर कुछ बच्चे सोचते हैं c और x बराबर c बटे a, तो x बराबर a इनवर्स c। दिस इज रॉन्ग, ये सोच रॉन्ग है, इसमें हमें इस तरह से ही कैलकुलेशन करना होगा। तो बच्चों स्पष्ट है कि x हमने किसको माना था, आपको बगल में क्लियर कट दिख रहा है, x स्मॉल y, ये कैपिटल x एक मैट्रिक्स है जो टू इंटू वन ऑर्डर का है और इक्वल टू ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इनके मल्टीप्लिकेशन से, इनके गुणनफल से, तो एक बटे सत्रह बाहर है। और ए इनवर्स का मान आपको समीकरण नंबर तीन में दिख रहा है, चार तीन ऋण तीन दो। और सी मैट्रिक्स हमने किसको माना है, इसके राइट साइड को, तो सी मैट्रिक्स है
ऋण 4:11। अब बड़े आराम से हम इस कैलकुलेशन को सेट करेंगे तो हमें आपको मालूम है कि ये 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2:1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या 2 दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, तो इसका गुणा किया जा सकता है। जिसको मैंने घेरा है वो देखिए बराबर है, तो मिलने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 1/17 और मिलने वाला मैट्रिक्स पक्का हमको 2:1 ऑर्डर का मिलेगा। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूं कि फर्स्ट रो का इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×16 = 16 और 11 × 33 = 33। इसी तरह से 4×12 ऋण धन। सेकेंड रो का फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×12 = 12 और 11×2 = 22। तो ये जो मैट्रिक्स है इधर लेफ्ट साइड में एक्स वाई है जो कैपिटल एक्स का मान है। कैपिटल एक्स एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। अब बड़े आसानी से हम एक्स और वाई का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई एक मैट्रिक्स इधर इस फॉर्म में है, ये भी 2:1 ऑर्डर का है और 1/17 पहले से बाहर है और जो कैलकुलेशन हमें मिल रहा है ऋण 16 धन 33, यानी आपको ये कुल मिला के 17 मिलेगा। 33 में से 16 घटाएंगे तो आपको 17 मिलेगा और इसी तरह से 22 में 12 को जोड़ेंगे तो आपको 34 मिलेगा। अब आपको मालूम है कि ये भी 2:1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहां को थोड़ा सा और एक स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो मैट्रिक्स है एक्स वाई ये 2:1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 17 में इसका भाग देंगे तो 17 = 17, 34 में 17 का भाग देंगे तो 2। तो अब ये भी 2:1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2:1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स जब आपस में बराबर है तभी संभव है जब उनके क्रम ऑर्डर कोटि समान हो। कोटि हिंदी में बोलते हैं, ऑर्डर समान हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 एक्स बराबर हमें 1 मिलेगा। एक्स की तुलना 1 से करेंगे, y की तुलना 2 से करेंगे तो y बराबर हमें 2 मिलेगा। तो बच्चों आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन से हमें A इनवर्स मिला और इसकी सहायता से हमने इस समीकरण निकाय जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं 2x - 3y + 4 = 0 ये क्वेश्चन में दिया था, इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन नंबर 4 के रूप में बताया 4 को पक्षांतर करके। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तभी हम मैट्रिक्स फॉर्म में उसको व्यक्त कर पाएंगे समीकरण नंबर 6 में जैसा आपको दिखाया गया। और 3x + 4y = 11 इससे कोई हमें तकलीफ नहीं है जो समीकरण नंबर 5 है। इन दोनों समीकरणों को हमने IU के फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में व्यक्त किया है और फिर हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स है जो इसमें आ रहा है, तो उसका कोड चाहे आप A दो या B दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां हम A इस मैट्रिक्स को कह चुके हैं तो A इसमें उतार देंगे, इसको हम कैपिटल X मानेंगे और इसको एक नया मैट्रिक्स नया नाम देंगे C। और इसके डायरेक्ट कैलकुलेशन को मैंने प्राप्त किया इक्वेशन नंबर 8 और फिर इसको A इनवर्स का इस्तेमाल जो समीकरण नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन में हमको मिल चुका है उसका इस्तेमाल करके हम xy = 1:2 हमें मिल रहा है और संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को की तुलना करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 मिल गई। अब बच्चों यदि a और b समान कोटि के ऑर्डर के
सममित आयु है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ए भी सममित आयु होगा यदि केवल यदि ए और बी क्रम विनिमय नियम का पालन करता हो। तो और साथ ही साथ हम ये भी देखें कि और बी ए बी माइनस बी ए विषम सममित आयु होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं ए और बी समान क्रम के सममित आयु की बात कर रहा हूं, तो चूंकि हमें दिया है ए और बी समान कोटि के सममित आयु सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको मालूम है कि यदि ए और बी समान कोटि के हैं और वो सममित हैं तो उसका परिवर्त आयु उसी के बराबर होता है, यानी ए डैस बराबर ए और बी डैस, बी डैस मतलब बी का परिवर्त आयु, बी डैस बराबर बी, ए डैस मतलब ए का परिवर्त आयु, तो ए डैस बराबर ए बी डैस बराबर बी, ये समीकरण नंबर एक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चूंकि क्वेश्चन में दिया है, इस तथ्य में दिया है कि ए और बी जो है वो सममित आयु है। अब माना कि ए और बी जो है समान कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए तो ए बी और बी ये दोनों परिभाषित होंगे, ए बी भी परिभाषित होगा और बी ए भी परिभाषित होगा। ये गुणा करना इतना आसान नहीं है बच्चों, पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होता है, तभी हम उस मैट्रिक्स का हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आपको ये मानने के लिए बाध्य कर दिया है कि ए और बी समान कोटि के हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर होगा, इसका मतलब ए और बी दोनों, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे। यानी यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हैं, और हमें ये भी दिया है इस तथ्य में कि ए बी जो है सममित आयु है, तो ए बी का जब मैं डैश करूँगा परिवर्त आयु निकालूंगा तो वो ए बी होगा, और आपको ये मालूम है कि ए बी का डैश बराबर उल्टा होता है बी डैश इंटू ए डैश, और हमको ये दिया है समीकरण नंबर एक में कि बी डैश बराबर बी, तो बी डैश की जगह मैं बी लिख रहा हूँ, ए डैश की जगह ए लिख रहा हूँ, तो यानी कुल मिला के मुझे समीकरण नंबर तीन नजर आ रहा है ए बी का डैश बराबर बी ए, और ए बी डैश बराबर ए बी नजर आ रहा है क्योंकि ए बी सममित है। तो समीकरण नंबर दो में ए बी का डैश बराबर ए बी और समीकरण नंबर तीन में ए बी का डैश बराबर बी ए। तो समीकरण नंबर दो और तीन से मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगा बच्चों कि ए बी बराबर बी ए, और मैं शायद इसी फंडामेंटल कंसेप्ट की बात कर रहा था कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित आयु हैं और ए बी सममित है, ये तभी संभव है जब यदि केवल यदि ए बी ए और बी क्रम विनिमय नियम कम्युनिटी लॉ का पालन कर रहा हो, अर्थात ए बी बराबर बी हो। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें कि इसी तथ्य को यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां मैं ये बात साबित करने की कोशिश करने जा रहा हूं कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित आयु स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें ए और बी दिया है समान कोटि के सममित आयु है, इसका मतलब समीकरण नंबर एक में मैं कह सकता हूं कि ए डेस बराबर ए, ए का परिवर्त आयु ए होगा, बी का परिवर्त आयु यानी बी डेस बराबर बी होगा समीकरण नंबर एक। और चूंकि ए और बी समान कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है, तो ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है, तो ए बी माइनस बी ए भी परिभाषित होगा। यदि मैं ए बी माइनस बी ए का डैश करूं तो बराबर मुझे मिलेगा ए बी का होल डैश माइनस इन ब्रैकेट बी ए का होल डैश। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का यदि मैं परिवर्त आयु निकालता हूं, यानी इन ब्रैकेट ए माइनस बी डैश लिखता हूं, तो वो बराबर आपको साइड में दिख रहा है ए डैश माइनस बी डैश।
इसीलिए मैं यहां ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर लिख रहा हूं ए बी शुरू में उसका डैश और माइनस चिन्ह पहले से है और बी ए का होल डैश। और आपको मालूम है कि ए बी का परिवर्त आयु उल्टा होगा बी डैश ए डैश और बी ए का परिवर्त आयु उल्टा होगा ए डैश बी डैश। और आपको ये भी पता है कि ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ए और बी सममित आयु है तो बी ए बराबर बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, तो यानी इन ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर आपको दिखाई दे रहा है बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, बी ए माइनस ए बी। और यदि मैं माइनस चिन्ह बाहर निकाल लूं तो मैं उसको इन ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूं। यानी कुल मिला के लास्ट में जो स्टेप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है बच्चों वो है इन ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस बाहर है इन ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए। यानी ये साबित होता है बच्चों कारण है कि यदि कोई मैट्रिक्स सी डैश बराबर यदि मुझे माइनस सी मिलता है इस तथ्य से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित आयु होगा। विषम सममित आयु क्यों होगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि कोई मैट्रिक्स सी का डैश मैं निकालता हूं और यदि वो माइनस सी मिलता है और यहां क्या मिल रहा है ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर इसका परिवर्त आयु में निकाल रहा हूं वो माइनस ए बी माइनस बी ए ही मिल रहा है। यानी विषम सममित आयु की परिभाषा को वो फॉलो कर रहा है तो इससे इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं बच्चों कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आयु इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।